और मैं हूँ आपके साथ पूजा प्रथम। झोटवाड़ा घूस कांड के मास्टरमाइंड एसीपी झोटवाड़ा आस मोहम्मद ने किया आखिरकार एसीबी के सामने आत्मसमर्पण। एसीबी डीजी आलोक त्रिपाठी ने की पुष्टि। कोटा एसीबी एएसपी चंद्रशील ठाकुर के सामने किया आत्मसमर्पण। 18 फरवरी 2019 से ही था फरार। आखिर क्या था ये मामला और क्यों था ये अधिकारी फरार? एसीबी ने धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई करने और पैसे दिलवाने की एवज में ट्रेडर बद्दू खान, दलाल सुमन सिंह और एपीपी चंद्रवान जोशी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। साथ ही साथ जयपुर में एसीपी आस मोहम्मद के घर भी एसीबी का सर्च अभियान चला था, लेकिन एसीपी साहब तो हो गए थे नदारद। राजस्थान में एसीबी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा थाना इंचार्ज रीडर बद्दू खान, दलाल सुमन सिंह और एपीपी चंद्रवान जोशी को तो गिरफ्तार किया ही है। बता दें कि एसीबी ने धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई करने और पैसे दिलवाने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए तीनों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। वहीं इस मामले में एसीबी ने एसीपी आस मोहम्मद को बुलाया तो उन्होंने फोन बंद कर दिया और साथ ही ऑफिस से गायब हो गए। देर रात तक घर भी नहीं पहुंचे, जिसके बाद एसीबी की टीम ने मालवीय नगर स्थित एसीपी आस मोहम्मद के घर पर भी दबिश दी थी। टीम ने आवास की तलाशी में घर पर रखे दस्तावेजों को भी खंगाला। आपको बता दें कि एसीबी की टीम एडिशनल एसपी पृथ्वीराज की अगुवाई में एसीपी आस मोहम्मद के घर तलाशी लेने पहुंची थी। एसीबी द्वारा कार्रवाई की भनक लगने के साथ ही ऑफिस से गायब हो गए और आज तक उनका पता पुलिस के पास नहीं है। पूछताछ के लिए एसीबी टीम आज भी उनकी तलाश कर रही। झोटवाड़ा एसएचओ के रीडर बद्दू खान ने किया था सनसनीखेज खुलासा। एसीपी आस मोहम्मद सीएमओ सहित कई बड़े अफसरों का नाम लेकर मनमर्जी करता था। गिरफ्तार आरोपी रीडर ने एसीबी की पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। रीडर बद्दू खान ने बताया कि एसीपी आस मोहम्मद झोटवाड़ा, मुरलीपुरा, करतनी और कालवाड़ थाने के प्रभारियों को कमिश्नरेट पुलिस मुख्यालय और सीएमओ के बड़े अफसरों का नाम लेकर धमकी देता था। फिर जांच अधिकारियों से जमीन और महिला अपराध से जुड़ी फाइलों में अफसरों के नाम से मनमर्जी के निर्णय करवाता था। खास बात यह है कि जिले के बड़े अफसर के पास जांच अधिकारी आस मोहम्मद की इस कार्यशैली की शिकायत लेकर पहुंचे थे तो बेस्ट जिले के अफसर को भी कमिश्नरेट, पुलिस मुख्यालय और सीएमओ के बड़े अफसरों का नाम ले लेता था। वहीं पता चला कि पूछताछ के बाद अब एसीबी अधिकारियों ने सबूत के तौर पर उन लोगों के बयान भी रिकॉर्ड में लेना शुरू कर दिए थे जिनके मुकदमों में गलत जांच हुई है और एसीपी आस मोहम्मद द्वारा एक पक्ष को फायदा पहुंचाया गया है। 12 फरवरी को एसीपी ने ट्रैप की कार्यवाही के बाद एसीपी आस मोहम्मद, एसएचओ प्रदीप चारण और एसआई रामलाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन आरोपी फोन बंद करके फरार हो गए थे। एसीबी के अधिकारी आरोपी आस मोहम्मद की संपत्तियों को ढूंढने में जुटे होने का दावा कर रहे थे। वहीं सूत्रों का दावा है कि आस मोहम्मद ने खुद के बजाय परिचितों के नाम पर ले रखी थी बेनामी संपत्तियां। आखिर कहां गायब हो गए थे एसीपी जिनके मिलने की आस लगाए बैठे थे एसीपी? हमारी पुलिस खुद के एसीपी को ही नहीं ढूंढ पा रही थी और राजस्थान को अपराध और अपराधियों से मुक्त करवाने का दावा किया जा रहा था। अब क्या वजह रही इस आत्मसमर्पण की, ये तो वक्त आने पर ही पता चल पाएगा। इसके पीछे कोई राजनीतिक आश्वासन है या फिर एसीबी का दबाव? और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।